सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए देखते हैं हम लोग मार्केट कल कैसा रहने वाला है। और आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि कोई सेटअप बना नहीं था और हम लोगों ने क्लियर कट अवॉइड किया। आपको तो दिखाते हैं अपना कोटक नियो का अकाउंट। ये रहा मेरा कोटक नियो का अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी पोजिशन नहीं बनाया आज के दिन क्योंकि मार्केट साइडवेज था और ज़्यादा मूवमेंट मिला नहीं है। हम लोग एक ट्रेड प्लान किए थे जो हम बोले थे कल की वीडियो में, 46,300 के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। बट आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो कैंडल है इतना बिग बना कि इसमें हम लोग ट्रेड ले ही नहीं पाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा कैंडल था और स्टॉप लॉस करने जाता तो बहुत बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग को अवॉइड करना पड़ा है ट्रेड। तो यहाँ पे ये भी बताए थे कि मार्केट नेक्स्ट 46,000 के लेवल तक जा सकता है और इजिली हम लोग को 46,000 का लेवल देखने को मिला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 46,000 आया और तुरंत शार्प रिकवरी हुआ और मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किए, नहीं बैंक निफ्टी में, नहीं निफ्टी 50 में, क्योंकि दोनों जगह हम लोग को ट्रेड बना नहीं है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसा रहने वाला है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारा चीज़ बताएंगे। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रहा है जो जिसको इसको बोलते हैं हम लोग हैमर भी कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये हैमर टाइप का कैंडल बना रहा है। और इसमें देखेंगे जब भी ऐसा कैंडल बना है तो मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस शो किया है और ऊपर गया है मार्केट, यहाँ भी देखेंगे। और सेम सिचुएशन यहाँ भी ऐसे ही बन रहा है तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ भी देखेंगे तो सेम ऐसे ही कुछ बना था, यहाँ तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट ये ठीक ठाक था। यहाँ भी देखेंगे तो ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही था। बट ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अभी निगेटिव ही है, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग पहले देखते हैं कैसे बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा हो, यहाँ ऊपर जा रहा हो फिर इसके लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस बात को हम लोग को बात को ध्यान रखना है कि मार्केट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, अभी बुलिश नहीं है। तो इसको हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ये वाला एरिया जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा जो है 46,700 और 800 का लेवल जो है स्ट्रांग थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे मार्केट जाएगा तो फिर नीचे आ सकता है क्योंकि आज भी जाने की कोशिश किया उसके ऊपर बट क्लोज नहीं किया। और यहाँ भी देखेंगे तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जा रहा है, जब इसको ब्रेक किया तब ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग को रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आएगा। अगर गैप अप खुल गया इसके ऊपर तब तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, फिर यहाँ तक के लेवल को हम लोग इजिली ट्रेड कर सकते हैं। 46,000 47,400 तक जा सकता है। अगर हम लोग बात किए थे, बता रहे हैं आपको, हम लोग इसको एनालिसिस किए थे कि ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोगों को इजीली टारगेट मिल सकता है, ये वाला 46,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही हुआ है कुछ, बट इतना ज़्यादा बड़ा कैंडल था कि हम लोग ट्रेड कर ही नहीं पाए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत बिग कैंडल बना था, लगभग 400 पॉइंट का कैंडल बना था, तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने क्लियर कट अवॉइड कर दिया बैंक निफ्टी को में ट्रेड करना। और यहाँ पे देखेंगे तो शार्प रिकवरी हुआ, तो राउंड लेवल इसलिए कहते हैं कि राउंड लेवल बहुत अच्छा काम करता है। अगर राउंड लेवल के बारे में आपको नहीं पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे और आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं कि हाँ राउंड लेवल कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा इजिली, तो इसको हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होने वाला है। जैसे अगर नहीं काम कर रहा है, यस यहाँ तक मिल जाएगा, 46,000 47,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और नीचे अभी तो ब्रेक नहीं कर रहा है क्योंकि 46,000 46,000 से जाकर के ऊपर चला गया है, आकर के शार्प रिकवरी हुआ है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत तेज रिकवर हुआ था यहाँ से और अच्छा मूव दिया है अपसाइड की ओर। तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांगनेस बिहेव हो रहा है बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी बैंक निफ्टी कमज़ोर है। तो हम लोग अभी देखेंगे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली कहाँ प्लान करेंगे और कहाँ नहीं प्लान करने वाले। तो हम लोग जब मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुल के
और समय और यहाँ यहाँ पे ओपन हो रहा है, जस्ट ऐसे कहेंगे, थोड़ा काम नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, यहीं पे बीच में ओपन हो करके और इसको निकालेगा तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट दे सकते हैं जो है कि है 47,200। और फ्लैट खुल रहा है तो फिर यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस हैं, जब इसको निकालेगा नहीं तब तक हम लोग को कोई क्लियर मूव मिलने वाला नहीं है, इसके बीच में ऐसे ही घूमता रहेगा और एसएल खाएगा। जो लोग जिन लोगों के पास अभी साइकोलॉजी ठीक नहीं है और कम पैसे ट्रेड करते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी ट्रेड करना चाहेंगे कि हम अच्छा पैसा बना ले, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक मार्केट में मूव नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हैं। एक कोड है कि जब तक हिलेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, तो जब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा अच्छा तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो लोग सेलर है ना वो इसको पकड़ लेंगे 46,300, और इधर पकड़ लेंगे 46,700 का लेवल और सेल कर देंगे। इसके बीच में मार्केट रुक गया तो क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो बायर को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा और सेलर को अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जब तक ये ऐसे करके ब्रेक नहीं करेगा नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, तब तक कोई ट्रेड मिलने वाला है नहीं। और इसके बीच में बायर और बायर क्या होने वाले हैं, ट्रैप होने वाले हैं, तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। और इंटर डे में जो सेटअप हम लोग सीखे हैं और उस पर हम लोग ट्रेड लेंगे जो अगर बनेगा तो। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग सीखना है, हमसे ट्रेडिंग सीखना है, हमारा सेटअप जानना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के अबाउट में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप एंजल वन, कोटक नियो और जीरोधा अकाउंट ओपन करेंगे तो आप वहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे। आपको आपको हम अपना सेटअप वगैरह सिखा देंगे जो भी सेटअप होगा। चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी फिफ्टी को। निफ्टी फिफ्टी में हम लोग बात किए थे कि ये वाला एरिया जो है 22,200 और 22,300, ये वाला एरिया 22,200 और 22,300 का जो लेवल है ये वाला, यहाँ मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। और ये भी बताए थे कि अगर फ्लैट खुल रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, 21,900 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तो मार्केट साइडवेज होगा। तो सेम वही हुआ है, मार्केट साइडवेज ही रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें जो ज़्यादा कुछ सोचने वाला बात नहीं था और निफ्टी फिफ्टी भी साइडवेज ही था, इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बना है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो यहाँ यहीं ओपन हुआ, यहाँ पे यहाँ ओपन हुआ और इसी के बीच में घूमता रहा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, 22,200 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग को अच्छा मूव नहीं मिलेगा। इसके बीच में साइडवेज मूव मिलेगा और यहाँ पे जो बायर हैं वो ट्रैप होंगे और प्रीमियम डीके का फायदा जो लोग सेलर होंगे वो उठा लेंगे आराम से। तो चलिए यही है, सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर बैंक निफ्टी फिफ्टी इसके इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव देगा नीचे साइड के लिए, पुट साइड के लिए, जो यहाँ तक हम लोग का टारगेट खुल जाएगा लगभग लगभग 21,500 आराम से। तो 21,500 भी राउंड लेवल काम करेगा, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट को। तो यही है सिंपल लॉजिक और ट्रेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, ओके बाय।